ओके दिस इज दिस इज अ गुड क्वेश्चन ठीक है लेट्स सी कि ये कौन बच्चा करता है सो वी हैव नाउ थ्री स्टूडेंट्स विद विथअस इस तरीके के क्वेश्चन यू विल गेट इन आर आई एम सी ऑल्सो ठीक है तो ये तो एक सीडीएस बेस्ड क्वेश्चन है सीएपीएफ में भी आ सकता है एफ कैट में भी आ सकता है दिस इज अ गुड क्वेश्चन तो इसमें क्या करेंगे आप ओके okay. सो so, इसको जूम करना है चलो ठीक है दिस इज द डायग्राम इज गिवन टू यू ठीक है दिस इज द डायग्राम एंड व्हाट इज रिटन हियर दैट पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ये जो सर्किल है इसका पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ठीक है ये जो लाइन है दिस कंप्लीट लाइन इज अ डायमीटर ठीक है दिस कंप्लीट लाइन इज अ डायमीटर जिसको उसने पी क्यू आर एस दिया है ठीक है ओके देन उसके बाद क्या क्या है आपसे द लेंथ पी क्यू क्यू आर आर एस आर इक्वल याद रखना है PQ, okay, PQ, QR, RS, सारी लेंथ इक्वल है दिस पी क्यू ओके दिस पी क्यू क्यू आर आर एस ये सारी लेंथ बराबर है ठीक है इक्वल है उसके बाद दिया है सेमी डायमीटर तो एक सेमी सर्किल बनाया है ठीक है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं सर्किल इस, इस की बात कर रहा है जो मैं येलो से हाईलाइट करूंगा ठीक है इस सेमी सर्किल की बात कर रहा है ठीक है सेमी सर्किल इज ड्रॉन ठीक है जिसमें क्यू एस क्या है डायमीटर है ओके ठीक है उसके बाद आपसे कह रहा है वट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड रीजन ठीक है तो आप क्या निकालो शेडेड रीजन का एरिया निकालो और अनशेडेड रीजन का एरिया निकालो और उसको वट यू हैव टू डू उसका रेशियो आपको निकालना है डायमीटर आपको नाइन सेंटीमीटर दिया है ठीक है अगर डायमीटर नाइन सेंटीमीटर दिया है डायमीटर का मतलब है पी एस ये पूरी डिस्टेंस इसका मतलब पी क्यू क्यू आर आर एस अगर बराबर बराबर है ठीक है अगर इफ दे आर सेम देन पी क्यू विल बी थ्री सेंटीमीटर ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा ओके द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज नाइन देन पी क्यू क्यू आर आर एस विल बी सेम ठीक है द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस नाइन सेंटीमीटर ठीक है रेडियस इज नाइन सो इट विल नॉट बी थ्री 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 इज नाइन रेडियस नाइन तो डायमीटर कितना हो जाएगा डायमीटर विल बी एटीन अगर वो एटीन एटीन में जाएगा तो दिस विल बी सिक्स ठीक है तो ये सिक्स सिक्स हो जाएगा दिस विल बी सेंटीमीटर दिस विल बी सिक्स सेंटीमीटर दिस विल बी सिक्स सेंटीमीटर बिकॉज द टोटल डायमीटर विल बी बिकॉज द रेडियस इज सिक्स सॉरी बिकॉज द रेडियस इज नाइन ठीक है द रेडियस इज नाइन सो द डायमीटर विल बी एटीन टॉइस ऑफ रेडियस देयर फोर पी क्यू क्यू आर आर एस क्योंकि सेम है तो सिक्स 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 इक्वली डिवाइड हो जाएगा ओके अब तो बहुत ईजी है अब हम क्या करेंगे अगर हम लोग जो पोर्शन है अगर हम उसका एरिया निकालें फर्स्ट ऑफ ऑल अनशेडेड को मैं कंप्लीटली येलो कर लेता हूं येल्लो वाला पोर्शन का अगर मैं एरिया निकाल ठीक है ये पूरा काल्लो वाला पोर्शन अनशेडेड है ठीक है दिस येल्लो पोर्शन इज अनशेडेड तो येल्लो पोर्शन कैसे आ जाएगा वेरी इजी ठीक है मैं ऐसे लिखता हूं अनशेडेड पोर्शन अनशेडेड अनशेडेड पोर्शन में पहले तो ये जो सेमी सर्किल है बड़ा वाला ये वाला जो बड़ा वाला सेमी सर्किल है इसका एरिया निकालता हूँ मैं दैट विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल दैट विल बी नथिंग बट हाफ पाई आर स्क्वायर व्हाट इज द रेडियस फॉर दिस ठीक है रेडियस विल बी नाइन ओके बड़े वाले सर्किल के लिए हाफ दिस ओके प्लस वट इज द एरिया ऑफ बेसिकली दिस ये जो छोटा वाला सेमी सर्किल है येलो वाला छोटा दिस वन दिस स्मॉल वन इसका एरिया कितना जाएगा इसमें जो छोटे वाले में जो डायमीटर uh, है दैट विल बी ट्वेल्व सो रेडियस विल बी सिक्स ठीक है सो हाफ पाई सिक्स स्क्वायर ओके तो इफ यू टेक हाफ पाई कॉमन कितना जाएगा नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन ठीक है अगर मैं इसी तरीके से शेडेड निकालू शेडेड पोर्शन सो शेडेड इज़ वेरी ईजी टू फाइंड आप ये ऊपर वाला सेमी सर्कल देखिए टोटल सेमी सर्कल से अगर आप ये छोटा वाला पोर्शन निकाल देंगे छोटा वाला जो सेमी सर्कल है ठीक है ओके इसको अच्छे से समझना है अगर आपने क्या करना है अगर आप अगर आप ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिस होल अगर आप इस पूरे में से इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर आप सिर्फ ये जो छोटा वाला पार्ट है छोटा वाला सेमी सर्किल निकाल दोगे तो विल गेट योर आंसर ठीक है तो, तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा जो सेमी सर्किलेक तो हाफ पाई कॉमन ब्रैकेट में कितना वेरी सिंपल ओके अब आपको रेशियो निकालना है शेडेड अपॉन अनशेडेड ओके सो तो विल बी द रेशियो तो आपको तो निकालना है शेडेड अपॉन अनशेडेड ठीक है सो अपॉन विल बी नथिंग बट शेडेड कितना है अभी हमने निकाला हाफ पाई नाइन स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर विल बी नाइन एट्टी वन एट्टी वन माइनस थर्टी सिक्स अपॉन हाफ पाई ये जगह नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर ना सो एट्टी वन प्लस थर्टी सिक्स हाफ पाई से हाफ पाई कैंसिल ओके हाफ पाई से हाफ पाई कैंसिल बट विल बी द आंसर टेल मी द आंसर आप लोग सॉल्व करोगे से, ऊपर तो आ गया फोर्टी फाइव और नीचे ऐड करोगे कितना आएगा हंड्रेड एंड सेवनटीन इसको आप नाइन से कैंसिल कर सकते हो नाइन फाइव दी फाइव And nine ones are nine, and nine threes are 27. So the answer is five is to 13. Okay.